एंड गाइस मेरे पास है सेट डी। आज सोशल साइंस का 10th क्लास का एग्जाम था और आप पेपर भी देख सकते हैं यहाँ पर, आज का ये मार्क्स पेपर है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए थे उसके राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके राइट आंसर क्या है। वो जिनके पास सेट डी आया हुआ था वो आपके फ्रेंड है, तो इस वीडियो को उनके पास भी शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, उसके बाद आइडिया लगा सकें कि उनके कितने मार्क्स आने वाले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वैसे ये आ चुका है हमारे पास सेट डी, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया है। तो सबसे पहले हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं पेपर। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, प्रथम लड़ाई पानीपत की 1526 में। सेकंड का महावीर स्वामी किस दर्शन से, यानी यहूदी, सॉरी इसका महावीर स्वामी तो इसका आएगा आपका राइट आंसर वो है दोस्तों जैन धर्म, इसका जैन धर्म है, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म से थे। उसके मिस्र के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, इसका राइट आंसर जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद ये आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन थे जो काफ़ी आसान थे दोस्तों, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है लेकिन काफ़ी आसान थे, जैसे कि सिंधु सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सिंधु वाला, ये आपका सेट ए में भी आया हुआ था। मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है तो आपको बताना था। ईसाई लोगों के क्रूड से क्यों किए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। समाजवादी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि समाज वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। इंदिरा गांधी वाले क्वेश्चन जैसे कि आपका क्यों लागू किया था आपको पता ही है, इसके बारे में आप बना कर भी लिख अगर आपने पढ़ा लिखा है तो। उसके बाद ये आपका ब्लाइंड पर्सन के लिए था लेकिन मैंने इसको भी सॉल्व किया है तो ये आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर, इसका राइट आंसर सी है दोस्तों 10वें का। 11वें का राइट आंसर बी है और यहाँ पर 12वें का जो राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका आपको लिखना था। 13वें का राइट आंसर 1668 है। 14वां यहाँ पर आपको खालिस्तान का जनता। उसके बाद ये श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है ये आपको लिखना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दो नंबर के आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन आए हुए थे। 5 नंबर में भी आपको मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में जो कि मैंने पेपर से पहले अपलोड की थी कि लोकतंत्र वाला आपके पास जरूर क्वेश्चन आएगा, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो पक्का आपने क्वेश्चन किया होगा। उसके बाद 21वें का जो राइट आंसर है वो ए है। 22वें का राइट आंसर सी है। 23वें का राइट आंसर है हमारा चूना पत्थर ग्रेफाइट, यानी कि आपको खनिज बताना, एक उदाहरण बताना लेकिन मैंने यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, अगर आपने एक लिखा है तो आपको राइट आंसर आपका एक ही है और यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा। किस देश को कपास के पौधे का अमृत स्थान माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र है, राज्य अमेरिका। उसके बाद दो दो नंबर के क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जैव और जैव में आपको उदाहरण भरने लिखने थे खनिज की परिभाषा देते हुए, खनिज जैसे मैंने आपको बता ही दिया पत्थर चूना ग्रेफाइट है ना। उसके बाद परिवहन के साधन बताते हुए रेल परिवहन की व्याख्या कीजिए, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ये आपका ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए था। उसके बाद ये 29वां क्वेश्चन आपको मानचित्र मदरसा आना था, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन दोस्तों आए हुए थे। 30वें का राइट आंसर यहाँ पर डी था। 31वें का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी था जैसे आप देख रहे हैं। 32वें में आपको यहाँ पर संगठित लिखना था और ये उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन हैं अर्थव्यवस्था वाले यहाँ पर आ चुके हैं। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, महात्मा गांधी वाला आया हुआ रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य, यानी कि वो जो अभी मेरे ख्याल मनरेगा वाला था ना वो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। यानी कि दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा भी आ सकता है। उपभोक्ता वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है जो कि आपको 5 नंबर का आया हुआ, आपको 5 अधिकार लिखने थे, ये काफ़ी सेटों में सेट ए में भी पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों आज का पेपर काफ़ी आसान था, अगर आपने पढ़ा लिखा है तो आप बड़े आराम से 50 से 60 नंबर बड़े आराम से ले सकते थे, अगर इससे ज़्यादा लोगे तो दी बेस्ट है आपके लिए। एंड गाइज मैंने आपको इस वीडियो में सेट डी के बारे में जो छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे नंबर वाले वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किए हैं, वो सभी राइट आंसर है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया जिस भी स्टूडेंट के पास सेट डी आया हुआ था आपका वो फ्रेंड है उसके पास भी ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी देख सके कि उसके छोटे छोटे क्वेश्चन कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं, ताकि वो भी आइडिया लगा सके कि उसके सोशल साइंस में कितने मार्क्स आने वाले। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।